खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से है, जहां निचलौल नगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर खुले पैथोलॉजी लैब पर छापेमारी हुई, जहां तहसीलदार और सीएचसी अधीक्षक की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से संचालित 6 पैथोलॉजी लैब को सीज कर दिया, जिसके बाद क्षेत्र के पैथोलॉजी लैब वालों में हड़कंप मचा हुआ है। निचलौल तहसीलदार राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि शासन के आदेश पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम गठित कर जाँच की जा रही है। इसी क्रम में आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल गेट पर खुले सभी लैब की जांच की गई, जिसमें 6 पैथोलॉजी लैब अवैध रूप से संचालित करते पाए गए, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए रक्त पैथोलॉजी, ब्लड केयर, शुभम पैथोलॉजी, आस्था पैथोलॉजी, पवन पैथोलॉजी एक अन्य लैब को सील कर दिया गया, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग को रिपोर्ट भेजी जाएगी। तहसीलदार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित टीम के द्वारा क्षेत्र में जांच किया जा रहा है, जो भी अवैध पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर हुई कार्रवाई के बाद अन्य लोगों में हड़कंप मच गया है, कई लोग लैब बंद कर गायब भी हो गए। स्ट्रीट बस के लिए महाराजगंज से धर्मेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जांच हो रहा है और कितने पैथोलॉजी सीज हुए हैं और कितने हॉस्पिटल सीज हुए हैं, किसके आदेश पे ये जांच आप जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में ऐसे पैथोलॉजी जिसके पास कोई भी वैध प्रपत्र नहीं थे उनको सील किया गया है। उसी क्रम में कृष्णा हॉस्पिटल, जिसके पास ना कोई फार्मासिस्ट थे, ना ही कोई डॉक्टर है, ना ही अस्पताल की कोई भी नॉर्म्स पूरा कर रहे थे, उनको भी सील कर दिया गया। ऐसा में कोई एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसे अभी सील किया गया है, जिसका नाम कृष्णा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर है, जिसपे कोई भी वैध प्रपत्र भी नहीं उपलब्ध था, ना कोई फार्मासिस्ट उपलब्ध है, ना कोई डॉक्टर उपलब्ध था, उसको सील किया गया। सर, ये जितने सील हुए हैं पैथोलॉजी और हॉस्पिटल, अगर जो ये अपना वैध प्रपत्र लेके आपके पास आते हैं तो क्या उन्हें फिर दोबारा खोल दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, अगर वैध प्रपत्र करते हैं संबंधित डिपार्टमेंट से जाँच कराई जाएगी,